भैया भी है, भैया दूज भी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये हर समुदाय जो इससे रिलेटेड है उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, भगवान उन पर पूरी तरह से अपनी कृपा दृष्टि बरकरार रखे। गोवर्धन पूजा जो है ना, ये है क्या कि जब विपत्ति आती है तो भगवान श्री कृष्ण पर्वत उठा के इंद्र जी का जो गुस्सा है उसको ठंडा करने के लिए पर्वत उठा के एक छाता का काम करते हैं। ये कहने का मतलब क्या है, जब भी समाज में विपत्ति आए किसी न किसी आदमी को खड़ा होके सारे का जो भी विपत्ति है उसको कम कर देना है। हमारा काम है, हर आदमी अभी बोले हैं कि हर आदमी कृष्ण है, हर आदमी में कृष्ण बसता है। जब कृष्ण खुद ही है तो क्यों जुन करना, क्यों किसी को तंग करना, किसी को कोई दिक्कत कर रहा है, कोई परेशानी कर रहा है तो हम लोग को लड़ के उसको सोल्व कर देना चाहिए, उसको पूरा परेशानी कम कर देना चाहिए। लालू यादव जी भी आए हुए थे। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? और देखिए ये प्रोग्राम जो है ना 22-23 साल पुराना प्रोग्राम हो गया है, तब से 23 साल में बीच में उनको जेल भी जाना पड़ा और ऑलमोस्ट 18 बार आए हैं यहाँ पे। ये भी एक रिकॉर्ड ही है, केवल कोरोना पीरियड में नहीं आए थे, तो उसके अलावा भी वो हमेशा यहाँ पे आते रहे, हम लोग का मान भी बढ़ाते रहे। इस फेस्टिवल का जो हम लोग गोवर्धन पूजा है इसकी शान बनते रहेंगे। ये राजनीति विचार देखिए, हमारा जो राजद पार्टी है ये समाजवादियों की पार्टी है। हम लोग का कहना है कि हम लोग वंचितों की बात करते हैं, गरीब कुछों की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं। तो ठीक है, हमारे में हो सकता है कि बहुत आदमी को लगता होगा कि भाजपा में जाके या जदयू में जाके आप वहाँ जाते हैं तो आप अपने समाज की भलाई नहीं कर पाते हैं, आप अपने समाज के लिए जो है ना गलत परंपरा कर रहे हैं। क्योंकि जब आरक्षण की बात होती है तो आपको पता है आरक्षण में किस तरह से खेल होता है, यदि आप भाजपा वाली पार्टी में जाते हैं जदयू वाली, लेकिन सम्मान तो है ही, हमारे समाज का है, तुम सम्मान करेंगे क्यों नहीं करेंगे? हम तो चाहते हैं कि सारे आए, सबको सम्मानित करें हम लोग, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए। आप दूसरी धारा में भी रहते हैं, वहाँ भी अपने समाज के लिए वंचितों के लिए बात करें, बात रखें, यदि कुछ खड़े लोग तो आगे बढ़ाएं, ये कहना तो गलत नहीं है। हम तो लड़ ही रहे हैं, हम तो जेल भी झेल रहे हैं, हम मुकदमा भी झेल रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे लॉर्ड कृष्णा तो पैदा ही नहीं थे जेल में। कितने दिनों से आप लोग बना रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे नहीं, ये जगह जगह हम लोग बदल बदल के बनाते हैं। कंकड़बाग में 16-17 बार कंकड़बाग में, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके इस्कॉन टेम्पल गए, फिर इधर आए, तो अगली बार होता और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करें। आने वाले दिन में देखा जाएगा क्या करना है हम लोग को। डॉक्टर मोहित कुमार, हम चिकित्सा प्रकोष्ठ के, मेरा अपना हॉस्पिटल वगैरह है, सब ठीक ठाक है।